बच्चों इसके पहले हम तुम लोगों को क्या वन नंबर सम से समझाए थे दहाई तक का स्थान जो है सर्वनिकटतम मान निकालने के लिए। अब जो है क्या सैकड़ा तक प्रत्येक संख्या का सर्वनिकटतम मान ज्ञात करना है। सेम नियम है, जस्ट हल्का सा चेंजिंग है। हल्का चेंजिंग मतलब क्या, ये जो है देखो उसके पहले हम दहाई में क्या बताए थे, इकाई के स्थान पर जो संख्या है एक से लेकर चार के अंदर, सेम वही नियम होता है, जस्ट हल्का चेंजिंग है। क्या अब देखिए, जो इकाई में हम देते थे अब हम लोग दहाई के स्थान पर देखेंगे। दहाई के स्थान पर अगर एक से चार तक का मान रहता है, संख्या रहता है, तो क्या हो जाता है, वो राउंड ऑफ का होकर जीरो हो जाता है, और सैकड़ा के स्थान पर जो संख्या है जैसे वैसे ही रहता है। और अगर मान लो दहाई के स्थान पर जो संख्या है पाँच या पाँच से अधिक रहता है, तो क्या हो जाता है, उसका एक जो है वो सैकड़ा के स्थान पर जो संख्या रहता है उसमें एक जुड़कर वो पूरा राउंड ऑफ हो जाता है। अब कैसे वो देखेंगे, देखो वन नंबर सम में क्या दिया हुआ, 151 मतलब क्या, इकाई दहाई, दहाई के स्थान पर कितना है पाँच, फाइव। अभी हम क्या बोले, दहाई के स्थान पर पाँच या पाँच से अधिक संख्या हो तो क्या होता है, वो सामने मरे सैकड़े के स्थान पर जो संख्या रहता है उसमें एक जुड़कर पूरा राउंड ऑफ हो जाता है, पूरा एक राउंड फिगर में बदल जाता है। तो पांच है तो यहाँ क्या हो जाएगा, या उसके बाद सैकड़े के स्थान पर कितना है आठ है, तो क्या हो जाएगा, राउंड ऑफ में एक जुड़ जाएगा, आठ में एक जुड़ जाएगा, आठ में एक जुड़ने से कितना वन माने नाइन, और ये पूरा राउंड ऑफ हो गया माने हंड्रेड, 900। तो सैकड़े तक का तक प्रत्येक संख्या सन्निकटतम मान कितना हुआ इसका 900 या 900। फिर से रिपीट कर रहे बच्चों, उसमें जैसे इकाई का स्थान हम लोग देखते थे, इसमें सैकड़े के स्थान पर हम लोग दहाई का संख्या को हम लोग फॉलो करेंगे। अगर दहाई के स्थान पर जो संख्या रहता है वो अगर एक से चार तक के बीच का संख्या हो तो क्या हो जाता है, वो जस्ट सैकड़े के स्थान पर जो संख्या वो वैसे का वैसे रहेगा, और इधर जो संख्या है वहां जीरो में बदल जाएगा। और अगर वही अगर दहाई के स्थान पर पांच या पांच से अधिक हो संख्या तो क्या हो जाएगा, सैकड़े के स्थान पर जो संख्या है उसमें एक जुड़कर वो पूरा राउंड ऑफ हो जाएगा। समझ में आया, सेम आप देखो बीच का जितना भी सम्स है तुम लोग खुद कर पाओगे, मेरे ख्याल से तुम लोग ये अच्छी तरह से समझ गए होगे। अब छह नंबर में 17,000 माने 10,000 वाला है वो, तो वो चीज तुम लोग को समझा दे रहे, इसमें तुम लोग कैसे करोगे। देखो 17,000 ठीक है, 17 का 17 जैसे है वैसे सेम उतार दिए, पहले भी सबसे बताया है। अब देखो 636 दहाई के स्थान में कितना संख्या है, देखो इकाई दहाई, दहाई के स्थान में कितना है तीन, हम पहले क्या बोलते हैं एक से चार के बीच में संख्या, तो एक से चार मतलब क्या, यहाँ तीन है कमी है, तो क्या हो जाएगा छ जैसे है ये छ का छ उतर जाएगा, और ये क्या राउंड ऑफ, राउंड ऑफ मीन्स 30 जो क्या बोले थे इससे पहले एक से चार तक होने से जीरो में बदल जाता है, यहाँ क्या हो जाएगा ये पूरा जीरो हो जाएगा। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहे हैं, अगर दहाई के सैकड़ा का सैकड़े तक का प्रत्येक स्थान का जो है सन्निकटतम मान निकालना होता है तो क्या होता है, दहाई के स्थान पर जो संख्या रहता है वो हम लोग फॉलो करते हैं, एक से चार तक का संख्या रहता है तो हम लोग क्या करते हैं उसको जीरो में बदल देते हैं, और अगर पांच या पांच से अधिक रहता है क्या होता है उसका एक संख्या जो है सैकड़ा के स्थान पर जुड़कर वो राउंड ऑफ में बदल जाता है। ठीक है बच्चों, यही रहा आंसर। आई थिंक तुम लोग ये चीज अच्छी तरह से समझ गए होगे, तुम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ क्योंकि ये चीज तुम लोग ऑलरेडी 4 में भी किए हो 5 में भी किए हो, तो तुम लोग को अब प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलो ठीक से उतार लो।